चलो वेलकम टू द न्यू वीडियो, आई होप यू गाइस डूइंग वेल। एंड आज की वीडियो क्या होने वाला है अभी आपको बताता हूँ। तो जब मैं स्कूल में था इतना ना मुझे पेरेंट्स ने फोर्स नहीं करा कि बेटा तू इतनी परसेंटेज ले गया जितना मेरा एक सब्सक्राइबर है उसने बोला है कि पेपरोनी वाला पिज्ज़ा दिखाओ, ठीक है। अब पेपरोनी वाला पिज्ज़ा देखो मेरे को भी बड़ा पसंद है तो मैं उसे दिखाई देता हूँ और क्या है इसके अंदर, ऐसा क्या है, मतलब इतने सारे कमेंट्स आए थे, मतलब पेपरोनी वाला पिज्ज़ा, मतलब जो सब्सक्राइबर है मतलब यहाँ पर भी बहुत सारे कमेंट्स आ रहे होंगे, ठीक है। मतलब इतने सारे कमेंट्स आए थे पेपरोनी वाले पिज्जा के लिए, डोमिनोज का पेपरोनी वाला पिज्जा, और इसके साथ हमारी हैट्रिक हो गई। तो थालियाँ हो जाए भैया, तो थालियाँ हो जाए, ठीक है। हमारी हैट्रिक हो गई डोमिनोज वाली वीडियोज़ की, इसके लिए डोमिनोज ने मुझे दिया है कुछ नहीं, ठीक है। और साथ ही साथ आज वीडियो स्टार्ट करता हूँ वरना फिर से एक कमेंट आएगा, भाई पकाता तू मेरे को सच में कह रहा क्या? तू सच में कह रहा क्या? बट उससे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले हैट्रिक वीडियो के अंदर डोमिनोज की फिर से कुछ फैक्ट्स लेके आया जो मेरा भाई कहाँ से लेके आता, पता नहीं कौन सी बोली उसके बाद। आप फैक्ट्स बताओ डोमिनोज के। तो डोमिनोज के एक दिन में कम से कम 3 मिलियन पिज्जा बिकते हैं, जो अच्छा इसका मतलब है 30 लाख पिज्जा। 30 लाख अच्छा ठीक है। तो डोमिनोज के 30 लाख पिज्जा बिकते हैं और हमने कितने खाए होंगे तेरे को इसमें से क्या लगता है कितने? कम से कम लाइफ में 1000 से ऊपर। अच्छा अच्छा ठीक है, ये तूने आधा बताया लगता है वीडियो के लिए। और बता दूसरा फैक्ट बता। दूसरा ये है कि हाँ बता बता, हम जापान में गए थे तो वहाँ पेपरोनी का कोई वर्ड था नहीं, तो लोगों ने वर्ड बनाया था क्या, पेपरोनी। अब जो जापनीज है ना उनका एक्सेंट थोड़ा अलग होता है एंड वो काफी काफी मतलब ना जो साउंड्स होती है वो प्रोड्यूस नहीं कर पाते अपने मतलब मुंह से, तो इसलिए होगा ना बेसिकली ये। और तीसरा फैक्ट और भी कुछ आपके पास है कि इंग्लैंड में उन लोगों ने अक्टूबर 11, 2016 को अपनी पहली बार कैनू से डिलीवरी सर्विस की थी, जो एक बोट होती है। अच्छा। अक्रॉस एक रिवर। ओके। एक कैनाल से बेसिकली। मतलब क्यों करी थी, कुछ इसके पीछे है मतलब? क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह डिलीवरी करनी थी पिज्जा की। अच्छा, मतलब वो जगह उनको चाहिए थी मतलब डिलीवर करने के, बट वो कर नहीं सकते। ओके, नॉर्मल डिलीवरी मतलब वो ऐसे कर रहे थे बड़ी सारी। इसी के साथ वीडियो स्टार्ट करता हूँ, पहले पिज्जा का डब्बा ले आता हूँ ताकि थोड़ा सा लगे कुछ खाना वाना आ गया, मुझे पानी भी आ गया मेरे साथ में। आज है अपना प्रपोज डे, तो लोग प्रपोज करते हैं, मतलब वैलेंटाइंस वीक चल रहा है और लोग प्रपोज वगैरह करते हैं एक दूसरे को। ऐसी मेरी एक स्टोरी है, आपको पहले इसके साथ से बताता हूँ, ठीक है। हाँ, तो इसको करते हैं हम दूसरे वाले कैमरा को दिखाते हैं, ठीक है। तो ये अपना है आज पहली वीडियो में पेपरोनी वाला पिज्ज़ा। इसके बड़े सारे कमेंट्स आए थे, इतने सारे आए थे कि मैं दब गया था उनके नीचे एंड फिर मैं निकला बड़ी मुश्किल से। और अब मैं आपके लिए पिज्ज़ा लेके आया हूँ, ये रहा पेपरोनी वाला पिज्ज़ा, दिख रहा है किस कैमरा में ये, ठीक है। तो ये रहा हमारा पेपरोनी वाला पिज्ज़ा एंड दिस पिज्ज़ा इज लुकिंग वेरी वेरी ब्यूटीफुल। बट इससे पहले आपको बताता हूँ अपनी स्टोरी जो थी। तो प्रपोज ये था, आपका भाई 7th स्टैंडर्ड में था एंड मैंने एक लड़की को प्रपोज कर दिया, ठीक है। और उस लड़की का बड़ा भाई था और उसके बड़े भाई ने वो जो हमारे हिंदी टीचर थे उनको बता दिया। अब हिंदी टीचर को जब पता चला तो वो प्रपोज बेसिकली मेरे लिए एक बैम्बू केन डे में बदल गया था, क्योंकि मेरे को लठ पड़े थे उसके बाद पूरी क्लास में बच्चों के सामने, ठीक है। तो वो मेरे लिए डे था प्रपोज डे। और एक चीज़ कॉन्स्टेंट रही है उसके बाद से, वो मैं बता देता हूँ, मैं तब भी सिंगल था और आज भी सिंगल हूँ, ठीक है। वो चीज़ें नहीं, कुछ चीज़ें नहीं बदलती हैं। हाँ, बट वो जो मार पड़ी थी ना उसकी वजह से आज कभी कभी दर्द होती है जब बैठता हूँ। तो यही तो मारा था बैम्बू भाई, बड़ा मारा था मेरे को बैम्बू, तो पता नहीं है। तो ठीक है, अभी पिज्ज़ा दिखाता हूँ आपको, आपको लगता है इंटरेस्ट होगा नहीं इस बातों में, बट लेट्स मूव ऑन। तो ये रहा अपना पेपरोनी वाला पिज्ज़ा। एक चीज़ आपको बता दूँ मैं पहले आप लोगों को अच्छी तरीके से, कि पेपरोनी बाहर की जगहों पे अलग अलग मीट की मिलती है, जैसे किसी और एनिमल की मिलती है, बट इंडिया में चिकन की मिलती है एंड यहाँ पर चिकन पेपरोनी है, क्योंकि हमारी कंट्री में कुछ टाइप के मीट्स अलाउड नहीं है, लोग खाते नहीं है क्योंकि सबके अपने अपने यू नो रिलीजन्स होते हैं उसके अंदर, उसको नहीं खाते इसलिए। तो ये अपनी चिकन पेपरोनी है एंड इसको टेस्ट करेंगे, आपको बताएंगे कैसा इसका टेस्ट है। वीडियो इज गोइंग टू बी शॉर्ट एंड सिंपल, आई एम जस्ट गोइंग टू शेयर दैट हाउ दिस पिज्जा इज गोइंग टू टेस्ट। वैसे मैं एक हफ्ते में एक वीडियो डालता हूँ, बट दिस टाइम अपलोडिंग टू, मुँह में पानी आ रहा है, ठीक है। तो आ जाओ जी, खाते हैं पिज्ज़ा को, ज़्यादा बकवास नहीं करनी है अपनी। ये रही अपनी प्लेट, ले ले भाई, ले ले। और एक स्लाइस मैं लेता हूँ और अब आप लोगों को फिर से दिखा देता हूँ भैया कैसा दिख रहा है पेपरोनी वाला पिज्ज़ा। पहले तो इसमें देख लो एक बार फिर से, ये रहा पेपरोनी पिज्ज़ा, ठीक है, ऐसा एंड चिकन पेपरोनी और ये रहा हमारा स्लाइस। लेट्स ट्राई, आ जाओ। तो पिज्ज़ा बहुत ज़्यादा टेस्टी है। इस पिज्ज़ा के अंदर क्या होता है कि जो पेपरोनी है वो अपना ऑयल रिलीज़ करती है, ठीक है, और वो जब ऑयल है वो चीज़ के अंदर जाता है एंड उससे जो पिज़्ज़ा का टेस्ट है वो डबल हो जाता है। क्योंकि आप कभी वेजिटेरियन पिज़्ज़ा खा लेना, अगर आप नॉन वेजिटेरियन खाते हो तो आप वेजिटेरियन ट्राई करना, उसका टेस्ट अलग होगा एंड नॉन वेजिटेरियन का अलग होगा, क्योंकि वेजिटेरियन जो वेजिटेबल्स होती हैं उनके अंदर अपने कोई जूसेस नहीं होते, बट जब चिकन आप कोई भी प्रोडक्ट डालते हो तो अपना जूस रिलीज़ करता है, अपना ऑयल रिलीज़ करता है चीज़ के ऊपर, पिज्ज़ा के ऊपर, तो टेस्ट
बेटर हो जाता है. आई एम गोइंग टू ट्राई अनदर बाइट एंड टेल यू गाइस कि कैसा एक्चुअली में और लग रहा है. पेपरोनी समथिंग कि हर किसी को पसंद नहीं आएगी, ठीक है. नाउ यू नीड टू हैव अ वेरी यू नो थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का टेस्ट बर्ड्स होने चाहिए आपके एंड पैलेट होनी चाहिए, तब आपको समझ आएगा. इट्स काइंड ऑफ ऑन सॉल्टियर साइड, ठीक है, थोड़ी सी नमकीन होती है और नॉर्मल जैसे सॉसेजेस होती हैं वैसा टेस्ट नहीं करती है. इसका टेस्ट अलग होता है. आई एम गोइंग टू टेस्ट दिस जस्ट लाइक दिस. प्राइस क्या है इस पिज्जा का? 640 rupees इंक्लूडिंग टैक्सेस. ओके, सो दिस इज मीडियम साइज पिज्जा एंड दिस इज फॉर 640 rupees, राइट, इंक्लूडिंग टैक्सेस. एंड कोई कूपन ऊपर मिलेगा 500 rupees का तो आप वो लगा सकते हो एंड थोड़ा सा सस्ता हो जाएगा आपका. कूपन ऊपर देख के लगाया करो. ये पिज्जा देखने में जितना अच्छा है, आई एम टेलिंग यू गाइस दैट दिस इज वेरी वेरी टेस्टी, बेटर देन चिकन डोमिनेटर, बेटर देन एनी अदर नॉन वेजिटेरियन पिज्जा. वी यूजुअली ईट दिस पिज्जा जब हम ऑर्डर करते हैं डोमिनो से. वी यूजुअली ऑर्डर दिस और वी ऑर्डर चिकन डोमिनेटर बिकॉज जो से दोनों पिज्जा से दे आर वैल्यू फॉर मनी. एंड इफ यू वॉन्ट टू ऑर्डर समथिंग वेरी टेस्टी एंड अ पिज्जा विच हैज गॉट टॉपिंग्स ऑल ओवर इट, देन दिस इज अ पिज्जा यू आर लुकिंग फॉर. आई गेस बहुत अच्छा पिज्जा है एंड खा लो, ट्राई कर लो, अच्छा है. मेरे हिसाब से तो अच्छा लगेगा. पेपरोनी भरी हुई है पिज्जा के ऊपर. दिस नो प्लेस वे दिस नो पेपरोनी एंड हर जगह है एंड अच्छा लग रहा है, ठीक है. आई होप यू गाइस एंजॉय वाचिंग दिस वीडियो. ये वीडियो मैं बीच में ऐसे ही डाल रहा हूँ, ठीक है. वैसे मैं एक हफ्ते बाद डालता हूँ, एक हफ्ते बाद प्रॉपर वीडियो आएगी. ये मैं सिर्फ क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर ने रिक्वेस्ट किया था, सो दैट्स व्हाई आई एम अपलोडिंग दिस वीडियो. आई होप यू गाइस एंजॉय वाचिंग दिस एंड अगर आपको अच्छी लगी है देन मेक श्योर टू लाइक बटन, चैनल सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबा देना. टिल दैट टाइम दिस इज ओनली वंस अगेन सेइंग बाय.